आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, देखिए आपको प्रश्न क्या दिया हुआ। प्रश्न है कि ऊसर भूमि कहाँ जाता है। ठीक है, ऊसर भूमि किसे कहते हैं, ये हमें पूछ रहा है। विकल्प यहाँ दिया हुआ है, पर्वत प्रदीप प्रदेशों पर स्थित भूमि, दूसरा है खारी और लवणीय भूमि, तीसरा है नदियों के किनारों पर स्थित भूमि, और चौथा यहाँ दिया हुआ सागर के किनारों पर स्थित भूमि। आइए एक एक करके विकल्पों को देखते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि ऊसर भूमि, ऊसर भूमि क्या है, यानी एक तरीके का बंजर भूमि, जहां पे कृषि ना किया जाए, यानी कि कृषि योग्य भूमि ना हो। कृषि योग्य ना हो, ठीक है। और क्या होता है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 8.5। ठीक है, ये पीएच मान है ऊसर भूमि का। आइए विकल्प देखते हैं। विकल्प हमारा नीचे से स्टार्ट करते हैं। विकल्प दिया सागर के किनारों की जो भूमि होती है ये कृषि योग्य होती है। ठीक है, ये योग्य भूमि है। ठीक है, यहाँ पे योग्य होगा, यहाँ पे योग्य, यानी ये विकल्प हमारा गलत है, यानी कि हमें सर कहा जाता है पूछ रहा है, ये विकल्प जो है वो गलत है। विकल्प क्या है, विकल्प अगला विकल्प है कि नदियों किनारे की जो भूमि होती है, ये भी विकल्प हमारा गलत है। दूसरा यहाँ दिया हुआ खारी और लवणीय भूमि को, ये विकल्प देखिए हमारा बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ पे मिल गया विकल्प बी में। चौथे विकल्प ए में पूछा हुआ है कि पर्वत प्रायद्वीपीय प्रदेशों पर स्थित भूमि, ये विकल्प जो है ये हमारा गलत है, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी, खारी और लवणीय भूमि को हम ऊसर भूमि कहते हैं। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।